तो आप फिर से देखना शुरू कर चुके हैं झारखंडी ट्रेवलर, और आज फिर एक नए जगह पर आपको लेके चल रहे हैं अपने इस ब्लॉग में। तो इसमें आपको दिखाएंगे एक एयरक्राफ्ट जो इंडियन नेवी में करीब 29 वर्षों तक सेवा देने के बाद वो म्यूजियम में रखा गया है, तो उसी म्यूजियम को देखने हम लोग चलेंगे। तो चलिए हमारे साथ और देखते हैं क्या क्या है वहाँ पर। तो दोस्तों अभी बीस बंगला गेट के अंडर पास से गुजर रहे हैं। देखिए बीस बंगला गेट, इसमें ऊपर हैंगिंग रेस्टोरेंट है, इसमें भी चलेंगे एक दिन। देखिए कितना खूबसूरत है पार्किंग। तो ये एयरक्राफ्ट म्यूजियम के पार्किंग में पार्क करने के बाद अब चलते हैं म्यूजियम की ओर। कार पार्किंग चार्ज 30 रुपीज पर आवर, और इस म्यूजियम का एंट्री टिकट भी 30 रुपीज पर पर्सन, जो स्टूडेंट के लिए बिल्कुल फ्री है। न्यूटाउन पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बगल में है ये एयरक्राफ्ट म्यूजियम। टिकट लेने के बाद एयरक्राफ्ट म्यूजियम में इंटर कर चुके हैं, और ये देखिए पीछे एयरक्राफ्ट। इंडियन नेवी में करीब 29 वर्षों तक सेवा देने के बाद 2017 में रिटायर हुए इस विमान को 2020 में वेस्ट बंगाल सरकार को इंडियन नेवी के द्वारा दिया गया, जिसे 8 जून 2022 को चीफ मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया। रशिया में निर्मित ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी में 1988 से 2017 तक ऑपरेशनल था, जिसे 2017 में डी कमीशन किया गया, और ऐसे 8 एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के पास थे, अभी सभी को रिटायर कर दिया गया है। तो साथियों ये जो एयरक्राफ्ट देख रहे हैं ये करीब 29 साल इंडियन नेवी में सेवा देने के बाद 2017 में रिटायर हुआ, और उसके बाद इसे 2020 में आपका तमिलनाडु से इसको यहाँ पर लाया गया करीब 16 ट्रकों में भर के। 4 इंजन वाला ये प्रोपलर एयरक्राफ्ट अब तक का सबसे फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट है, जिसका स्पीड 871 किलोमीटर पर आवर से भी अधिक था। और इसके बारे में आप देखिए कि ये रशिया में बना था, टुपोलेव 142 इसका नाम है, और इसे 2022 जून से यहाँ पर इस एविएशन म्यूजियम में रखा गया कोलकाता के अंदर, जिसे ममता बनर्जी ने पिछले साल ही उद्घाटन किया था। आप देख सकते हैं इस एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट में पीछे भी ऑटोमेटिक मशीन गन लगे हुए हैं, ताकि पीछे से भी सबमरीन पर वार किया जा सके। और ये अत्याधुनिक हवाई जहाज अपने ज़माने का सबसे फास्टेस्ट हवाई जहाज था, जो आज इस म्यूजियम में है। आप देखिए इस म्यूजियम के बगल में बच्चों के लिए सीमेंट से भी हवाई जहाज़ बनाया गया है। आप इस म्यूजियम को सुबह 10-11 बजे से शाम के 7 बजे तक आके आनंद ले सकते हैं। और ये एयरक्राफ्ट के नीचे का हिस्सा जहाँ से बॉम्ब को रिलीज किया जाता था, ये बॉम्बर पोर्शन, यहीं से एंटी बैलिस्टिक सबमरीन बॉम्ब को रिलीज किया जाता था। इसके आगे आप देखिए यहाँ पर, यहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया जाता था, जो करीब 8000 किलोमीटर दूर से सबमरीन पे वार करता था। काफ़ी अत्याधुनिक हवाई जहाज, इसमें अंदर जाने के लिए इधर से सीढ़ी बना हुआ है, और ये इसका इंजन, और ये देखिए एक एक इंजन का 2 एग्जॉस्ट सिस्टम। ये प्रॉपर इंजन है। आज के ज़माने में जो हवाई जहाज है वो जेट इंजन पर चलता है। तो आप देखिए ये इसका टायर, करीब 6 वर्षों से यह विमान म्यूजियम में है।
और यहाँ पर इसके बारे में कुछ जानकारी दिया हुआ है, जैसे कि इसे 11 से 13 क्रू मेंबर के द्वारा उड़ाया जाता था तथा इसका लंबाई 53 मीटर और इसका वज़न करीब 90,000 किलो और इतना ही वज़न लेके ये फ्लाई करता था। आप देखिए ये विमान का अभी तक का रिकॉर्ड है स्पीड में, प्रोपेलर इंजन में करीब 12 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम था ये विमान। इस विमान का उपयोग 1999 के रिपब्लिक डे परेड जो न्यू दिल्ली में होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जा चुका है। ये विमान यूनिवर्स में सबसे अधिक शोर करने वाला विमान था, जिसे लाउडेस्ट प्लेन ऑन द प्लैनेट भी कहा गया। ये विमान इंडियन नेवी के गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है, तो इसे वेस्ट बंगाल के कोलकाता शहर के बीचों बीच इस एयरक्राफ्ट म्यूजियम में ज़रूर देखने आए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप एविएशन के अंदर देख रहे हैं, प्लेन के अंदर लोग निकल रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग भी गए, लेकिन अंदर कैमरा अलाउ नहीं है सिक्योरिटी पर्पज़ से, क्योंकि भारतीय नौसेना का सीक्रेट रिवील ना हो जाए उसके लिए। अंदर में कैसे इसका मिसाइल प्लांट रहता है, कैसे अंदर से मिसाइल निकलता है, सोनार सिस्टम, रडार सिस्टम, पायलट को पायलट, हर चीज़ का डमी प्रोटोटाइप बना हुआ है। तो आप लोग ज़रूर आइए और इसको देखिए, भारतीय नौसेना का गौरवशाली इतिहास और बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट है जो 29 वर्षों तक भारतीय नौसेना में सेवा देने के बाद रिटायर हुआ है। समुद्र के अंदर मार करने में भारतीय नौसेना को सुविधा होता था, रशिया के द्वारा बना गया था ये एयरक्राफ्ट। तो देखिए कितना खूबसूरत जगह है ये, चारों साइड उधर फाउंटेन, काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पर। तो साथियों, आज के ब्लॉग को, इस एविएशन के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक झारखंडी ट्रेवलर के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को प्यार दें, ताकि आपके साथ ऐसे ही मज़ेदार वीडियो साझा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।